इस जगह की कहानी थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि काला पानी से लेके इस जन्नत तक का सफर थोड़ा तो लंबा होगा ही। और ये जो हर फ्रेम में अलग रंग है ना, बड़ी मुश्किलों से मिले हैं हमें। इसी जन्नत का एक छोटा सा हिस्सा है हैवलॉक आइलैंड, जहां जाना किसी सपने का पूरा होने जैसा ही है। मैं आम यात्री आपको लेके चल रहा हूं इसी सपने के अंदर, जो कभी मेरा भी सपना था। पहली बार इंडिया से बाहर इंडिया के इस सफर में, जहां है अमेजिंग सनराइज से लेके ब्रेथ टेकिंग सनसेट्स, व्हाइट सैंड बीचेस से लेके क्रिस्टल क्लियर पानी और हजारों रंगों से भरी जिंदगी। ये है अंडमान और अमेजिंग अंडमान सीरीज का चैप्टर 1, हैवलॉक आइलैंड। तो फाइनली अंडमान ट्रिप शुरू हो चुका है। 6 बजे की फ्लाइट के लिए बिना सोए सुबह 3 बजे विंडो सीट लेने के लिए मैं पहुंच गया एयरपोर्ट, क्योंकि बादल जरूरी है बाबा। और टिफिन पैक करा के अच्छे बच्चे की तरह मैं चुपचाप बैठ गया प्लेन के अंदर। 6.5 घंटे और एक हॉल्ट लेने के बाद फ्लाइट पहुंचा पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ थे बहुत सारे लोग। 1.5 घंटे बाद RT-PCR रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करवा के मैं निकला एयरपोर्ट से और सीधा एक होटल में जाके सो गया, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है भाई। नेक्स्ट मॉर्निंग हैवलॉक जाने के लिए फेरी लेने सुबह 4:30 बजे उठ के मैं गया हेडो जट्टी। डेडिकेशन देख रहे बाबा, एक नंबर। सो हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए फेरी चलती है पोर्ट ब्लेयर से, और जो मैंने फेरी लिया है इट इज ग्रीन ओशन 1, और सुबह के 5:30 बजे या 6 बजे यहाँ से वो फेरी स्टार्ट होगी। एंड दिस इज द वेटिंग रूम फॉर द शिप। लगेज रखने के बाद पूरे 6 बजे फेरी चली जट्टी से। हेडू जट्टी से मैक्रूज और बाकी फेरी भी चलती है, जिनकी मंजिल सिर्फ एक है, हैवलॉक आइलैंड। ग्रीन ओशन में 3 तरह की कैटेगरीज है, इकोनॉमी, लग्जरी एंड रॉयल। कोशिश करिए आप लग्जरी या रॉयल लीजिए, बिकॉज जो इकोनॉमी है वो लोअर डेक पे है, जहाँ पे विंडोज भी नहीं है। सो दिस इज द गुड थिंग अबाउट ग्रीन ओशन बोट, 20 मिनट चलने के बाद वो आपको डेक के ऊपर आने के लिए अलाउ कर देते हैं। एंड देयर इज फूड जॉइंट ऑल्सो, वहाँ से आप कॉफी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं और कुछ खा भी सकते हैं, स्नैक्स वगैरह। एंड द व्यू फ्रॉम दिस डेक इज रियली ब्यूटीफुल, एंड यू कैन एंजॉय दिस अमेजिंग ओशन व्यू from this amazing deck. So deck पर हवाओं के बीच में हीरो टाइप पोजेस में कुछ वीडियो बना के सनराइज देखते हुए 2 घंटे बाद फाइनली मैं पहुंचा हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक में पहुंचते ही वहां का टर्कोइश ब्लू पानी देख के मैं समझ गया था इट्स माय काइंड ऑफ प्लेस। हैवलॉक में मैंने स्टे करा हैवलॉक फार्म्स में, जो है विजयनगर बीच के बिल्कुल ऑपोजिट, और यहाँ के ओनर जफर भाई और उनका स्टाफ माशाल्लाह भाई। सो दिस इज माय रूम एट हैवलॉक फार्म रिजॉर्ट, यहाँ पे बाहर बैठने की जगह है। एंड दिस इज माय रूम, इट्स क्वाइट बिग, काफी बड़ा है, मेरे सामान टेबल और यहाँ पे सामान रखने की भी जगह है। एंड देयर बाथरूम इज एक्चुअली रियली क्लीन, बहुत ही सही है। एंड इट्स मी, एंड जो वाइब्स है यहाँ की इट इज एक्चुअली रियली गुड। So, खाना वाना खाने के बाद मैंने हायर करी होंडा हायाबुसा की छोटी बहन होंडा एक्टिवा, और मैं निकल गया। So, फ्लाइट और फेरी में ट्रेवल करने के बाद फाइनली आई एम बैक ऑन रोड, और मैं जा रहा हूँ राधानगर बीच। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे खूबसूरत बीच है राधानगर बीच। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अलावा एशिया का 7th most ब्यूटीफुल बीच है ये राधानगर बीच। तो मेरे होटल से है अराउंड 11-12 किलोमीटर ये, और लगेगा वहाँ पे 1/2 hour पहुंचने में। और जो ये रास्ता है मेरे होटल से राधानगर बीच का, इट इज सो सीनिक, मैं बता नहीं सकता, इतना ज्यादा खूबसूरत है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो रोड पे ट्रैफिक है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता। और आप कहीं पे भी जाएं, यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, और ऐसे पेड़ आपको हर जगह नजर आ जाएंगे पूरे आइलैंड पे। सो अभी 10 मिनट्स और लगेंगे, तब तक आप मजे लीजिए यार इस व्यू के। सो लेट्स गो। तो ये है राधानगर बीच का पार्किंग, यहाँ पे कार पार्क कर सकते हैं और वहाँ पे स्कूटी पार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे काफी सारी शॉप्स हैं शॉपिंग के लिए, और 2-3 छोटे छोटे ढाबे भी हैं। सो पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद विल गोना गो टू बीच, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि राधानगर बीच के वहाँ पे खाने के लिए कुछ है कि नहीं है।
सो बाबा आई जस्ट हैड लंच, और अगर आपको सी फूड पसंद है देन दिस प्लेस, ये जो माया रेस्टोरेंट है ये जन्नत है, बिकॉज यहाँ पे जो फिश फ्राई था इट वॉज लाइक आउट ऑफ वर्ल्ड, इट्स सो टेस्टी। तो जो भी सी फूड लवर है, अगर आप राधा नगर बीच पे आ रहे हैं तो थोड़ी सी देर रुके, यहाँ पे फ्रेश फिश खाइए और फिर मेरे को नीचे कमेंट में बताइए कैसी लगी। बीच में जाते ही राइट हैंड साइड पे वॉशरूम और चेंजिंग रूम है, तो खुल के मजे लीजिए स्विमिंग के। सो ये है अंडमान एंड निकोबार का सबसे फेमस बीच, राधा नगर बीच, और काफी सारे लोग हैं भाई यहाँ पे, और जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं वो जगह मेरे को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, देयर इज वन मोर प्लेस आई एम गोइंग देयर, 5-7 मिनट का आई थिंक वॉक होगा वहाँ के लिए, आई होप वहाँ पे कम लोग हो, जितने लोग यहाँ पे हैं उतने लोग नहीं होंगे वहाँ पे, तो लेट्स गो एंड सी देम। बीच में आते ही सीधे हाथ को बिल्कुल लास्ट में है ये जगह ब्लू लगून। बाबा ये जन्नत है, ऊपर से दिखाता हूँ। खाली सांसें थी और कुछ थे मेरे ख्वाब, ले चला मैं इनको समंदरों के पार, मंजिल है दूर मेरी और वेदर एकदम हेज है, पहनी है हैट बाबा बंदा एकदम तेज है। उड़ने को पंख मेरे दुनिया ने जो बांधे थे, खींच खींच के उनसे अब छुड़वाए हैं। हो गई है बस मेरी अब गुट गुट के जीने में, अब सीखा है जीना जैसे जीना हर एक लम्हे में, और ऊपर मुझको तो अब जाना है, दुनिया है ये बहुत बड़ी मुझको अब क्यों रुक जाना है। पंख खोल हवाओं में इस जहां के किनारों पे, उड़ता मैं जाऊं। सुना था राधा नगर बीच फेमस है अपने सनसेट के लिए, पर खुद देखा तो यकीन भी आ गया। ये शाम, ढलता हुआ सूरज और ये यादें बयां के परे हैं। उड़ता मैं तो अगला दिन भी शुरू हुआ सुबह 4:30 बजे उठने से, क्योंकि बाबा हमें चलना है एक अमेजिंग सनराइज देखने। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं काला पत्थर बीच पे, और अभी सनराइज नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मैं पहुंच गया हूं, और ये इतना खूबसूरत बीच है आई जस्ट कांट टेल यू, और ज्यादा लोग नहीं है इस टाइम पे एज कम्पेयर टू दिन के टाइम या शाम के टाइम जब भीड़ होती है। सो लेट्स चेक दिस अमेजिंग सनराइज। जैसे राधा नगर बीच फेमस है अपने सनसेट के लिए, वैसे ही काला पत्थर बीच फेमस है अपने सनराइज के लिए, एंड नो डाउट आ गए भाई यहाँ के सनराइज में, आई मीन लिटरली। व्हाइट सैंड, टर्कोइश ब्लू पानी, तेज हवाएं और कम लोग, परफेक्ट इंग्रेडिएंट है इस परफेक्ट बीच के लिए। इन सबसे जरूरी सुबह नींद खराब करके उठना एकदम सफल हो गया बाबा, मन तो कर रहा था पानी में कूद जाऊं, पर ठंडे पानी में पैर जाते ही जज्बात थोड़े संभाले। तो ये था काला पत्थर बीच, कपड़े बदल लिए बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू रॉक एंड रोल, बिकॉज अभी मैं जा रहा हूँ सीधा स्कूबा डाइविंग करने, एंड इट वुड बी रियली एडवेंचरस, सो लेट्स गो। आगे से भी एंट्री है और वहाँ पे काफी सारी शॉप्स है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ खा पी भी सकते हैं, शॉर्ट्स वगैरह जो बीच वेयर है वो यहाँ पे मिलता है। बट नाउ इट्स टाइम टू गो। सो वो मेरा होटल, और निकलते ही जो स्कूबा डाइविंग का ऑफिस है वो यहाँ पे है। 7 बजे उन्होंने बोला था आई हैव टू रीच, सो आई थिंक सब कुछ रेडी होगा, आई थिंक सो, या सारा सामान रेडी है, सो लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। सो ये था हैवलॉक का मोस्ट अवेटेड पार्ट। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मुझे लेनी पड़ी 15 मिनट की एक वीडियो क्लास। वीडियो कंप्लीट हो गई है, बट सूट लेने जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम गहराइयों में। आई थिंक वहाँ पे जाके 15-20 मिनट्स का ट्रेनिंग भी होगा, उसके बाद विल गो ऑन अ डीप डाइव। तो वेट सूट पहन लिया है एंड अभी मैं फिन ट्राई कर रहा हूँ, थोड़े से छोटे आ रहे हैं, फिटिंग है थोड़ा सा टाइट भी होना चाहिए, इसमें सांस नहीं आ रही है बिल्कुल भी इस सूट में।
चलो जी इट्स टाइम। सो आई थिंक वी विल गोना ट्रेन हियर। पहले यहाँ पे ट्रेनिंग होगा फॉर लाइक हाफ एन आवर एंड आफ्टर दैट वी विल गोना गो टू डीप सी। बीगा बीगा सा समा है भीगे भीगे थोड़े हम सांसों को जीने के लिए गहराइयों में डूबे हम ऊपर नीला आसमां है नीचे मिलो पानी बीच में बैठे लिख रहा हूँ मैं अपनी कहानी मैं लहरों के बीच से एक ऐसे देश में जहाँ राहे अनजानी है सब मेरी चले कहीं दूर गहराइयों में So, ये दूसरी बार मैंने स्कूबा करा था एंड दिस वॉज फार बेटर देन फर्स्ट वन बिकॉज आई वॉज विद प्रोफेशनल और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी थी उस सुबह और जैसे कि किसी महान इंसान ने बोला था एक एक सांस और पल का एहसास हो जाता है अंदर जाके। स्कूबा करने के बाद मैं गया विजयनगर बीच जो मेरे होटल से बिल्कुल ऑपोजिट था और शांति से आखिरी कुछ घंटे बिताए इस खूबसूरत बीच पे मैंने और जो भी यादें बनाई थी हैवलॉक में उन सबको समेटा और तैयारी की अपने आगे आने वाले सफर की। मन थोड़ा सा तो उदास था इतनी सुंदर जगह को छोड़ के जाने से बट फिर दिमाग में आया जाएंगे तभी तो वापस आएंगे।